हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कलर ग्रेडिंग करना। जैसे कि आप सब यहां पे फोटो देख सकते हैं, इसमें कलर्स जो है काफ़ी ज़्यादा डल दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको बिफोर आफ्टर करके दिखाऊं तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सभी देखिए, ये फ़ोटो पहले ऐसे थी, आफ्टर हमने कलर ग्रेडिंग इसमें इस फ़ोटो को जो है इस तरीके का लुक दे दिया है। आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है इस फ़ोटो के अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके के आप किस तरीके से किसी भी फ़ोटो को आप कलर ग्रेड करके उसको और भी ज़्यादा अच्छा और भी ज़्यादा सुंदर कैसे आप बना सकते हैं, यही चीज़ जो है आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एकदम सिंपल से स्टेप्स हैं, कुछ छोटे से स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप खुद ही देख लीजिएगा आप फोटोज़ में आपको कैसा आउटपुट जो है देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको किसी भी फ़ोटो को ओपन कर लेना है जिसके आपको कलर ग्रेड करना है। तो ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि आपने फ़ोटो को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट लेयर में जाना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कर्व्स। कर्व्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको जो है ग्राफ शो होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कहीं पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको जो है ये वर्टिकल हैंड टूल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखिएगा जहाँ जहाँ पे आप यहाँ पे फ़ोटो पे मूव करेंगे, यहाँ पे आप ग्राफ में देखिएगा वहाँ वहाँ पर आपको जो है शो होगा कि आप कौन से कलर पर कहाँ पर डेटा में चेंजेस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है यानी जो ह्यूमन है ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे मेरे को अच्छे से दिखाई दे, तो स्किन टोन इसका मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्किन टोन पे मैं आ गया और आपको क्या करना है, माउस से क्लिक करना है और ऊपर की साइड करना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड कर रहा हूँ जिससे कि कलर थोड़ा सा यहाँ से एनहेंस हो जाए। और अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखेंगे पहले के मुकाबले, आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा ग्राफ में, ये देखिए। अब मेरे को क्या करना है, इसमें कलर डाउन करना है। ठीक है, तो कलर डाउन में डार्केस्ट एरिया पे यहाँ पे करूँगा, ये थोड़ा डार्क एरिया है यहाँ का, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसे डाउन करता हूँ। ठीक है, अगर हम अप करेंगे तो कलर जो है एनहेंस होगा, डाउन करने पे डाउन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना सा ध्यान रखना है। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से एडजस्टमेंट लेयर में जाना है और आपको क्या करना है, लेवल्स पर क्लिक करना है। लेवल्स में आप जो है आप देखिए जहाँ पर भी आपको लेवल्स एडजस्टमेंट करने का सही लगे आप वहाँ से इसको एडजस्ट कीजिए, जैसा भी आपको सही लगता है अपने हिसाब से, फ़ोटो के हिसाब से जो भी सेट बैठ रहा है आपको उस लेवल पे इसको एडजस्ट कर देना है। तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है। अब इसके बाद दोबारा से मैं एडजस्टमेंट लेयर में जाऊंगा और यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा हुई एंड सेचुरेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी हमें हैंड टूल को सेलेक्ट करना है। तो पहले हमें वर्टिकल देखने को मिला था, अब हमें हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप जौन सा एरिया ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो बढ़ाइए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं स्किन टोन पर, आप देखिए ब्राउन कलर का टोन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्राउन कलर को सिलेक्ट करता हूँ और इसको इंक्रीज़ करता हूँ थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को फ़र्क देखने को मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा लाइट हो जाए, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा मैंने डाउन कर दिया, तो आप खुद देख सकते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है हमें यहाँ फ़ोटो में जो है देखने को मिल गया है। अगर मैं आपको इसे बिफ़ोर आफ्टर करके दिखाऊं तो आप खुद देख सकते हैं, इसको मैं पहले ग्रुप कर लेता हूं और आप खुद देखिए यहाँ पे, ये पहले फ़ोटो ऐसी थी, आफ्टर कलर ग्रेडिंग इस फ़ोटो को हमने इस तरीके का बना दिया है। अगर आप सभी चाहते हैं कि इसी तरीके की फ़ोटोज़ आप खुद से बनाएं, तो आप सभी इस ट्यूटोरियल को दोबारा देख लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए और आप इस तरीके की फ़ोटोज़ को बना के मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग जरूर कीजिएगा, वहाँ पे मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल मिस्टर बॉट। इस वीडियो के रिगार्डिंग फ्रेंड्स, अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।